नमस्ते बच्चों, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, मैंने ये स्वेटर और ये मफलर क्यों पहना है, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। हाँ, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। और हमें ठंड कब लगती है, बताइए? सही कहा, सर्दी के मौसम में, यानी कि विंटर सीजन में, है ना बच्चों? तो बच्चों, ये कौन सा मौसम चल रहा है? सही कहा, ये सर्दी का मौसम चल रहा है, यानी कि विंटर सीजन। तो अब ये बताइए, ये स्वेटर, मफलर और दस्ताने यानी कि ग्लव्स हम किससे बनाते हैं? बताइए बताइए। सही कहा, ऊन से, यानी कि वूल से। और ऊन कौन से वर्ड से शुरू होता है, याद कीजिए। सही कहा, बड़ा ऊ से, बड़ा ऊ से ऊन। तो बच्चों, आज मैं आपको सर्दी के मौसम के ऊपर एक कविता सुनाऊंगी। हाँ, और उस कविता का नाम है सर्दी का मौसम आया है। तो चलो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सर्दी का मौसम आया है, फिर से सुनिए। सर्दी का मौसम आया है, ठंडी हवा साथ लाया है, ठंडी हवा साथ लाया है। हम गजक मूंगफली लाते हैं। बच्चों, गजक एक प्रकार का मिठाई होता है, देखिए ये है गजक। हाँ, और मूंगफली तो आपको पता ही है, मूंगफली होता है पीनट। हाँ, तो फिर से मैं और एक बार दोहराती हूँ। हम गजक मूंगफली लाते हैं और खूब मजे से खाते हैं। फिर से, और खूब मजे से खाते हैं। दादी से कहानी सुनते हैं। फिर से, दादी से कहानी सुनते हैं और रजाई में सो जाते हैं। और रजाई में सो जाते हैं। तो बच्चों, समझ में आया? तो चलो अब हम गाना गाकर सीखते हैं कविता को। तो चलो शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम आया है, ठंडी हवा साथ लाया है, हम गजक मूंगफली लाते हैं और खूब मजे से खाते हैं। हम गजक मूंगफली लाते हैं और खूब मजे से खाते हैं। दादी से कहानी सुनते हैं और जाई में सो जाते हैं। दादी से कहानी सुनते हैं और जाई में सो जाते हैं। तो बच्चों, मजा आया? तो चलो और एक बार करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मजा आया? चलो और एक बार करते हैं, ठीक है? सर्दी का मौसम आया है, ठंडी हवा साथ लाया है, हम गजक मूंगफली लाते हैं और खूब मजे से खाते हैं। हम गजक मूंगफली लाते हैं और खूब मजे से खाते हैं। दादी से कहानी सुनते हैं और
खाते हैं, दादी से कहानी सुनते हैं और रजाई में सो जाते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आज की कविता सर्दी के मौसम के ऊपर? हाँ बताइए, अच्छा लगा? एकदम ठंडा सा लगा। तो बच्चों सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, तो आप सब भी घर पर अभ्यास करिएगा, ठीक है बच्चों? तो तब तक के लिए धन्यवाद।